विशाखा, एक कदम आगे तुम्हें आजाद कर देगा और एक कदम पीछे Really nice piece out there. You really touched the audience. Sorry, मैं बकबक किए जा रहा हूँ और खुद को introduce भी नहीं किया. I'm Meet Mehta, brand manager for the Camp in Earth. Oh, okay. I am. But of course, I know. Vishakha Dwivedi, right? By the way, thank you मुझे push करने के लिए. अगर आप नहीं होते तो मैं एक कदम जरूर लेती लेकिन वापस जाने के लिए. So really thank you. मैं ना तुम्हारा thank you ऐसे accept नहीं कर सकता यार. क्यों? I like my thank yous with coffee. Sorry? Actually, I'm leaving for Mumbai tonight itself. तो उससे पहले तुमसे कुछ काम की बात करनी थी. और यहाँ पास में ही एक अच्छी कॉफी शॉप है. So, do you mind if... मैं कॉफी सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही पीती हूँ. तो अभी के लिए आपको सादे-सादे thank you से ही काम चलाना पड़ेगा. But, have a safe flight. कॉफी तो मैं तुम्हारे साथ पी के रहूँगा. I'll make sure we meet again. मैं कॉफी सिर्फ अपने दोस्तों के साथ पीती हूँ. मेरे अलावा कितने दोस्त हैं तेरे? हाँ, मेरी कॉफी की कंपनी के लिए आप ही काफी हो. और वैसे भी आपको पता है मुझे नए लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता. लोग पहले आपको जज करते हैं, उसके बाद हर्ट करते हैं, तो फिर क्या फायदा? सब एक जैसे नहीं होते बेटा. ये आप कह रही है? सब एक जैसे ही होते हैं पापा जी. सवाल करेगी मुझसे? तुम दोनों माँ बेटी ने जीना मुश्किल कर दिया है मेरा. वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम उसे छोड़ोगे या नहीं. कान खोल कर सुन ले, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा. गए थे कुछ रिश्ते खुद ब खुद संभल गए थे. Meet, what are you trying to say? You got to see this girl talk about Iska. Meet, I already have. और तुम मुझे ये तीन बार दिखा चुके हो. Now can we come to the point, please? Okay, अर्थ अंग्रेजी में, धरती यानी प्रकृति. हिंदी में अर्थ का मतलब होता है मतलब, मीनिंग, द रियल मीनिंग ऑफ नेचर. स्नेहा, मैं बता रहा हूँ हमें अपने कैंपेन के लिए इससे अच्छा फेस नहीं मिल सकता. And, come on, let's face it. हमारी कंपनी न्यू है. We need a major campaign. It's a huge risk. और ये तो बस एक ब्लॉगर है. With hardly any followers. We have a million view वाले influencers who can be the face of the brand. हमें अपने ब्रांड के बारे में अच्छे बोलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे. पर जो हमारे ब्रांड के बारे में बिना बोले ही बोल जाए, यही वो लड़की. Stop being emotional about a poem. Listen, it's not about you me getting. You stop fighting and start projecting. Yes, sir. Sorry. Show me your blog. Oh, yes, please, sure. Sir, I told him this will not work. This is what exactly will work, Sneha. Meet sahi keh raha hai. If Earth was a human being, it would be her. Do whatever. I want her on board. That won't be an issue, sir. एक उदयपुर की लड़की को बोलोगे कि हमारे ब्रांड का फेस बनोगी तो मना करेगी क्या? नहीं, मैं नहीं कर सकती. मुझे पसंद ही नहीं है लाइमलाइट में रहना. I'm really sorry. No, don't be sorry. देखो, it's a very big opportunity. मीत जी, अगर मुझे बोलना आता तो मैं लिखती क्या? उस दिन उस स्टेज पर तो
शायद आपकी वजह से भूल गई। तो मेरी वजह से ये भी कर लो। I promise I'll be there at every step. देखिए आप अपना प्रॉमिस वेस्ट कर रहे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। But really thanks for thinking about me. Okay, मत करो। मिल तो लो। देखो मैं वैसे भी उदयपुर आ रहा हूँ। तो मिल ही लो। क्यों बेवजह मिलकर कोई फायदा नहीं है। किसने कहा हम बेवजह मिल रहे हैं? तुम्हारी डायरी भी तो लटानी है। मेरी डायरी? वो आपके पास है? हे भगवान, मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें भी तो मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और अब मिल गई हो तो मिल नहीं रही हो। अरे एटलीस्ट डायरी के लिए ही मिल लो। कॉफी बाय द वे पी लेंगे। प्लीज मिल लो। देखो मैं इतनी रिक्वेस्ट किसी से नहीं करता। तो मुझसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम अलग हो। देखो तुम्हें अपने ब्यूटी मार्क की कसम, प्लीज मिल लो। मैं नहीं आऊंगी, बाय। लिसन, हेलो हेलो। अजीब लड़का है। ब्यूटी मार्क की कसम, अजीब राइटर है, खोरी डायरी रखती है। पता नहीं इसके लिए मिलने भी आएगी या नहीं। I'm so so sorry. I'm really sorry. मैं लेट हो गया। I'm really sorry. By the way, ये तुम्हारी अमानत। Thank you so much. पर एक बात समझ नहीं आई। Thank you. एक राइटर के बैग में कोरी डायरी का क्या काम? दरअसल बात ये है कि मैं अपने थॉट्स लैपटॉप और फोन में लिखती हूँ। ये दरअसल मैंने अपनी माँ के लिए ली थी एग्जिबिशन से, यही हिसाब किताब लिखने के लिए। क्या? तो ये मैं मतलब मुंबई से उदयपुर हिसाब किताब वाली डायरी वापस करने आया। आप तो बाय द वे आ रहे थे ना? हाँ, I mean, आना था। Anyways, आपको आना था, आप आ गए। But my answer is still no. विशाखा, देखो मैं आया तो तुम्हें यहाँ कन्विंस करने था, पर अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। बट एटलीस्ट हम दोस्त तो बन गए। दोस्त? ये कब हुआ? अभी अभी। सी, तुमने कहा था ना तुम कॉफी सिर्फ अपने दोस्तों के साथ पीती हो। मेरे दोस्तों की लिस्ट में शामिल होना इतना आसान नहीं है। रियली? तो क्या करना होगा आपके दोस्तों की लिस्ट में आने के लिए? सुपर ह्यूमन बनना पड़ेगा। क्या सुपर ह्यूमन? हाँ, मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है, मेरी माँ। माँ? हाँ, वही मेरी दोस्त, वही मेरे पापा और वही मेरी माँ। जस्ट लाइक हर, सुपर ह्यूमन। तुम अपनी माँ के बहुत क्लोज हो ना। मेरी लाइफ में उनके अलावा कोई और है भी नहीं। चलती हूँ, बाय। विशाखा यार अजीब हो, कभी भी बाय बोलकर चल देती हो। कम से कम सामने वाले से भी पूछ लिया करो कुछ और बोलना है नहीं बोलना है। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? एक्चुअली मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। एक और फेवर? ठीक है बोलिए। यहाँ पे बांधनी दुपट्टे कहाँ मिलेंगे? नहीं नहीं, आई मीन क्या है ना, मेरी बहनें सुबह से 3 बार कॉल कर चुकी हैं, तो क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकती हो? ठीक है, हमारे राजस्थान की एक रीत है कि मेहमानों को कभी मना नहीं करते। अच्छा रियली? मुझे तो कितनी बार नो बोला। मैं दरअसल मेहमानों की बात कर रही हूँ, व्यापारियों की नहीं। अच्छा चले। यप, आफ्टर यू। दुपट्टे के लिए कहा तो तुम मुझे ये रंगरेज के यहाँ ले आई। ये छोटी छोटी अनदेखी सरप्राइजेस वाली खुशियों की बात ही कुछ और। ये रंगीन दुपट्टे ना, ये मेरे
पता है तुम राइटर्स की प्रॉब्लम क्या है? बहुत इंटेंस टाइप होते हो। जब जिंदगी दर्द में खुशी ढूंढते हुए बीतती है ना, तो खुद ब खुद संजीदा बन जाती है। तुम्हारी आधी बात है ना, मुझे समझ नहीं आती। इसीलिए कह रही हूँ मुझसे दूर रहो। तुम ये डिस्क्लेमर साथ लेकर चलती हो ना, या मेरे लिए ही कोई स्पेशल ऑफर है? नहीं, क्लियर कर देना अच्छा होता है। दादा ये सारी पैक कर दो। कितनी बहनें हैं तुम्हारी? बहनें तो तीन हैं, पर मुंह बोली बहनें भी बहुत हैं। और अगर एक भी रह गई ना, तो वापस उदयपुर आना पड़ेगा। और तुम्हें परेशानी होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम तो परेशान करती हो। मान जाओ ना प्लीज। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दुपट्टे भी हो गए, कॉफी भी हो गई, और डायरी भी। तो मैं चलती हूँ। बाय। इस बार तो पक्का गई। क्या कर रहा मीत? कुछ तो कर। विशाखा सुनो तो, इतनी क्या जल्दी? जल्दी इनफैक्ट लेट हो गया है। माँ वेट कर रही होगी मेरा। माँ? तो माँ ही कुछ कर सकती है। हाँ? नहीं वो क्या है ना, मैं कह रहा था यहाँ खाना खा के ना होटल का, मेरे पेट में भूचाल आ गया। तो यहाँ कहीं घर का खाना मिल सकता है? घर का खाना तो घर में ही मिलेगा। तुम मेरे घर आ सकते हो खाना खाने के लिए। देना? रियली? थोड़ा और ले लो बेटा। आंटी बस, आंटी बहुत खाओ। वैसे पता है मैंने इससे अच्छा राजस्थानी खाना आज तक नहीं खाया। बेटा मैंने बहुत जल्दी में बनाया, विशाखा ने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मुझे। अच्छा चलो, आपको कुछ बताती तो है, मुझे तो कुछ भी नहीं बताती। किस बारे में? जी एक्चुअली मैं कैरिको से हूँ। कंपनी एक ऑल नेचुरल स्किन केयर ब्रांड लॉन्च कर रही है अर्थ, और कंपनी विशाखा को इस ब्रांड के लिए अपना फेस बनाना चाहती है। क्या विशाखा को? पर क्यों? बिकॉज विशाखा इज इम्परफेक्टली ब्यूटीफुल, like all things natural. She wears her scarf with pride. Enough. Don't do this. मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा विशाखा? तेरे पास मौका है बेटा अपनी पहचान बनाने का, अपनी बातों से लोगों को इंस्पायर करने का। तुझे करना चाहिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते बेटा। विशाखा प्लीज मान जाओ ना, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। पर मुझसे नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? मैंने कहा ना मैं रहूंगा हर वक्त साथ। मेरा जवाब अभी ना है। ठीक है, अगर तुम्हारा अभी यही डिसीजन है तो जा बेटा, उससे बात कर प्लीज। इस फोटो में और इस फोटो में क्या फर्क है जानती? Choice is yours. चाहो तो हमेशा के लिए ऐसी रह सकती हो। Mark is the most beautiful thing about you. Anyways, thank you for the amazing mehman nawazi. Kaash main lauta paata. Kab aana hai? अब क्योंकि तुम सिर्फ एक ब्लॉगर हो, हमें सबसे पहले तुम पर काम करना पड़ेगा। We need to turn you into an influencer. तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे, और ये सब ओवरनाइट नहीं हो सकता। तो जब तक हम कहेंगे, तुम्हें मुंबई में ही रहना होगा।
दिस इज शैंक, तुम्हारे सारे सोशल मीडिया पेजेस यही हैंडल करेगा. वी नीड टू गो ऑल आउट टू बी एबल टू क्रैक द आईबॉल्स. कंटेंट की चिंता मत करना, मीत विल हेल्प यू आउट इन दैट. और तब तक तुम हमारे कंपनी के सर्विस अपार्टमेंट में रह सकती हो. मीत विल गेट दैट ऑर्गेनाइज हैपिली, राइट मीत? और ये है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद साइन कर लेना. तुमने क्यों तकलीफ ली, मैं मैनेज कर लेती ना. हम मुंबई वाले अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते. पर तुम कहाँ मुंबई वाले हो, तुम तो यूपी वाले हो. जो मुंबई आ जाता है ना वो यहाँ का हो जाता है. एनीवे चाय पियोगी? हाँ. गुड, दोनों के लिए बना लेना. वो वहां पे. हाँ. खिड़की खुली रह गई होगी, मुंबई में कबूतर भी तो बहुत है. और ये है हमारी मुंबई की पहली चाय. So, इस कैंपेन के लिए मेरा नाम तुमने पुश किया ना? तुम्हें ऐसे पता? जिस तरह से तुम्हारी बॉस मुझे घूर के देख रही थी ना, आई डोंट थिंक सो मैं उनकी पहली चॉइस थी. Listen. तुम ब्रांड की चॉइस थी. पता है हम 3 महीने से इस ब्रांड के लिए फेस ढूंढ रहे थे, पर जब मैंने तुम्हें देखा ना मुझे 3 सेकंड भी नहीं लगे डिसाइड करने में कि वो तुम ही हो. क्योंकि मेरे चेहरे पर ये स्कार है इसलिए ना? नहीं, क्योंकि तुम्हें इस दाग पर नाज है इसलिए. वैसे मेरी माँ बिल्कुल तुम्हारी तरह रोया करती थी. थी? यप. मैं 12th में था, पापा ने हम चारों को बहुत प्यार से संभाला, पर पढ़ाई सिर्फ मेरी पूरी करा पाए. माय सिस्टर्स हैड टू सैक्रिफाइस अ लॉट एंड नाउ आई वांट टू डू एवरीथिंग फॉर देम, इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत कर रहा हूं. आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू मेक माय सिस्टर्स हैप्पी. बस एक बार ये कैंपेन सक्सेसफुल हो जाए. ऑफ कोर्स होगा, तुम्हें कुछ डाउट है? I want to show you something.
See this, I'll show you. Ye comment. Hashtag खूबसूरत हूँ. Hashtag विशाखा द्विवेदी. You are a true inspiration. तुम्हारी पोस्ट ने मुझे इंस्पायर किया तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी प्रोफाइल पिक्चर में कोट्स की जगह अपनी फोटो लगाई. थैंक यू विशाखा. See. And forget this one. Read this one. See. I am an acid victim. I thought my life was over, but you made me realize ki abhi to party shuru hui hai. Shaka, you are truly beautiful. Thank you so much. Ye sab tumhari wajah se hua hai. Thank you. Par thought to tumhare the. Chalo ab isi khushi mein ek party to de do. Cheers. होते सिटी में तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुक पाती. अरे मैं कैसे नहीं होता. तुम्हें यहाँ आने के लिए मैंने फोर्स किया तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई. तो मैं सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ. अगर मैंने बता दिया कि तुम मेरे लिए क्या हो पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगी. प्रोजेक्ट हो और क्या. बॉस पागल हो गई. शी इज कॉलिंग यू लाइक मेनियाक. अरे आज तो कैंपेन रिव्यू था. उठो तुम्हें भी तो चलना था. ओह नो 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 आई कांट मेरा सर फट रहा है. तुम्हें हैंगओवर हुआ है. विशाखा यू हैव डन अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ सेटिंग द स्टेज फॉर दिस लॉन्च. जिस स्पीड से तुम ट्रैक्शन गैदर कर रही हो ना दैट इज कमेंडेबल. क्या कर रहे सर. देख लेते तो. देख लेते तो कह देता. गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना गुनाह है क्या. गर्लफ्रेंड नहीं तो.
खूबसूरत हो जैसे हो, जैसे हो वैसे खूबसूरत, जैसे हो खूबसूरत हो जैसे खूबसूरत। अरे क्लाइंट कितनी बार बोलोगी? अरे कल मेरा शूट है, वहां पर कितने सारे लोग होंगे। आई एम वेरी नर्वस। नर्वस क्यों? कैमरा फेस करना है ऑडियंस थोड़ी। हाँ पर कुछ तो लोग होंगे ना वहां पर। अरे उन कुछ लोगों में मैं भी तो हूंगा, तुम सिर्फ मेरी तरफ देखना। बस दो मिनट प्लीज। रोलिंग। एक्शन। खूबसूरत हो जैसे हो, जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो। वेट, आर यू फॉरगेटिंग योर लाइंस? नहीं मैम। दिखाओ। Are you out of your mind? गलत स्क्रिप्ट से लाइन पढ़ रही हो। मैम मेरे पास यही स्क्रिप्ट है। कल रात को मैंने तुम्हें नई स्क्रिप्ट मेल की थी। What were you doing? New script, please now. मैम ये तो मैं ये नहीं बोलूंगी। What do you mean by नहीं बोलोगी? मतलब ये गलत है। इसमें लिखा है अर्थ है खूबसूरती का अर्थ, अब जैसे है वैसे खूबसूरत नहीं। You are doing this on purpose, right? And don't you ever forget that I am your boss. तुम्हें यही लाइंस बोलनी पड़ेंगी। And please don't create a scene over here. मैं नहीं बोलूंगी। मैं such a down market small town blogger. Meet. और तुम्हें क्या लगता है उसे इन सब के बारे में पहले से पता नहीं होगा? ये कैंपेन उसका फ्यूचर तय करने वाला है। कैन गो टू एनी एक्सटेंट। जस्ट लिसन टू मी, गॉड डैम इट। तुमने अपने फायदे के लिए मुझे यूज किया। तुम्हें पता था ना कि लाइंस क्या होने वाली है। We have to take a legal action against that girl. Our entire campaign has gone down the drain. And guess what? She got the mileage because of us. We should not only send her the legal notice, but should also hack her accounts and ruin her reputation completely. Meet, Sneha jaisa keh rahi hai waisa karo. Uske accounts hack karo, uski reputation ruin karo. And negative publicity is the last thing we want. इत्तेफाकों को इंतकामों में बदलते देर कहाँ लगती है। शिकायतों का मजा तब हो जब कोई सुनने वाला हो। लीगल नोटिस लेके आया हूं। Misusing a person's credibility, defamation, and cybercrime tried to hack accounts. Sneha, this boy has ruined us. Boy and girl, both. And not just legally, but socially. Sneha, jaisa
उसके अकाउंट्स हैक करो, उसकी रेपुटेशन रुइन करो। फिर नेगेटिव पब्लिसिटी इज द लास्ट वी वांट। विशाखा, मुझे सच में नहीं पता था कि उनके ये इंटेंशंस थे। फिर से शुरुआत करते हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मार्केटिंग क्या होती है। Will you hire me, ma'am?